हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर लेके आए हैं आपके लिए हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही जानकारी वाली वीडियो, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो देखिए, ये इस तरह के बोर्ड रेडीमेड बाज़ार में बहुत मिलने लगे हैं दोस्तों। आप इस तरह के बाज़ार से बोर्ड ला के एक अच्छा बोर्ड घर पर ही और बहुत ही अच्छा बोर्ड आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं दो स्विच और दो सॉकेट हैं। देखिए, सॉकेट का कनेक्शन कटर है, इसके अंदर खांचा बना हुआ है। आप इसमें चार स्विच भी लगा सकते हैं और दो स्विच दो सॉकेट भी लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह के बोर्ड बाज़ार में बहुत मिलते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताऊँगा किस समय से हम इसे तैयार करेंगे, इसकी वायरिंग करेंगे, सब मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इसके स्विचेज हैं, हम इसमें आप इसे एक एक करके सब स्विच फिट करते हैं दोस्तों। इसमें स्विच फिट करेंगे और हम बताएंगे आपको किस तरह से हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं घर पर ही। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा बाज़ार में इस तरह के बोर्ड नहीं मिल पाते हैं तैयार बोर्ड। हम अच्छी वायर लगा के, अच्छे से सॉकेट लगा के एक अच्छा बोर्ड घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप घर पर ही तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें इस बोर्ड में चारों स्विच फिट कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको आज ज़्यादातर स्विच जो होते हैं ज़्यादा घरों में लगे होते हैं, आपने देखे होंगे बोर्डों में स्विच लगे होते हैं, उसके आदमी कनेक्शन नहीं कर पाता है और रिपेयर नहीं कर पाता उस बोर्ड को। तो मैं आप बताऊंगा कि किस तरह के कनेक्शन आपके लिए चल जाएंगे, किस तरह के बोर्ड आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सब उसकी वायरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा आपको। ये देखिए, तीन स्विच मैंने इसमें फिट कर दिए हैं, हम चौथा स्विच भी अब फिट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चौथा स्विच भी मैंने इसके अंदर फिट कर लिया, आइए टाइट कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसे सही से फिट कर लेते हैं सब स्विचों को। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, हम सही से सब स्विच इसमें कस लिए हमने। ये देखिए दोस्तों, चारों स्विच हमने फिट कर लिए हैं बोर्ड में। आइए हम इसको, ये देखिए कितना खूबसूरत बोर्ड लग रहा है। इस तरह से बोर्ड आप तैयार करेंगे घर पे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा, इसमें अच्छा एक तार लगा के, हैवी तार लगा के बहुत अच्छा बोर्ड आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, अब दोस्तों मुझे करना ये है कि हम इन चारों स्विचों में सबसे पहले हम जो स्विचों में ना फेज दे देंगे, यानी करंट दे देंगे सबसे पहले। दोस्तों देखिए, मैंने तार छीन लिया, ये फेस में लगाने के लिए मैंने रेड कलर का तार ले लिया दोस्तों। ये अब मैं ये तार दूंगा स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, चारों स्विचों में हम फेज दे देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को जिस तरह से आप लाइक करते हैं, जिस तरह से शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे।
ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें बोर्ड में देना न्यूट्रल। न्यूट्रल तो दोस्तों कहीं आया हुआ नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा किस तरह से हम न्यूट्रल इसमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम बल्ब होल्डर कनेक्शन करेंगे, तो कुछ भी बल्ब होल्डर पंखा कुछ भी देंगे उसको फेस देंगे, तो फेस देखिए जैसा कि मैं दिया स्विच के ऊपर बल्ब पॉइंट, तो फेस दे देंगे काट के। और न्यूट्रल भी हम बताएंगे कहाँ देंगे, चाहे कितने भी कनेक्शन करें स्विच सॉकेट किसी के भी कितने भी होल्डर लगाएं पंखा लगाएं, तो इसको हम फेस देंगे, तो फेस देंगे हम स्विच के ऊपर बल्ब पॉइंट से फेस काट के। ठीक है, इसी तरह से तीसरे स्विच के कनेक्शन भी ऐसे करेंगे और चौथे स्विच के कनेक्शन भी इसी तरह से करेंगे हम। और दोस्तों हमें न्यूट्रल देना, तो न्यूट्रल तो दोस्तों बोर्ड में आया हुआ नहीं है, तो न्यूट्रल देंगे हम। देखिए न्यूट्रल ले लिया मैंने बाहर से, न्यूट्रल मैंने दे न्यूट्रल हम दे देंगे डायरेक्ट। ये देखिए ऐसे ऐसे मैंने कनेक्शन करें, इस तरह से आप भी कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, आई मैं से चेक कर आपको बताता हूँ। आप जब भी कोई बोर्ड तैयार करें तो चेक ज़रूर करें, और चेक लगाने से पहले और बहुत सावधानी से चेक करें। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए हम चेक कर बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, हिल जा रहा है बार बार दोस्तों। ये देखिए, इस वाले स्विच से मैं होल्डर कनेक्शन करा था इसका, ये देखिए दोस्तों। ठीक, ठीक है दोस्तों, देखिए सारे स्विचेस काम कर रहे हैं जिस तरह मैंने चेक कर रहे थे। अब हम दूसरा होल्डर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा स्विच भी काम कर रहा है इसी तरह से, जिस तरह से हमने दोनों स्विचों में कनेक्शन करें इसी तरह से हम इन दोनों स्विचों में भी, चाहे कितने स्विच लगे सब में इसी तरह से हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।